ये क्या हो रहा है हमारी कौम के साथ जो है उर्दू को उर्दू की हौसला अफजाई नहीं हो रही नहीं। इंग्लिश की हौसला अफजाई की जा रही है इसकी क्या वजह है देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये बात है कि हमें ग़ुलाम कौम है और कोई भी किसी भी दुनिया में आप कहीं चले जाएं लोग गैर मुल्क जबान सीखते हैं जापानी भी सीखते हैं चीनी भी सीखते हैं तुर्क भी सीखते हैं भी कभी भी आप ही देखें कोई दो फ्रांसीसी दो जर्मन दो चाइनीज कभी भी अपनी जबान के दो गैर मुल्की बात नहीं करेंगे जहां उन्हें जरूरत होगी वो वहां बात करेंगे तो हमारा अफसोस की बात है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और हमने उस गुलामी को खत्म तो हो गई हम एक आजाद रियासत के तौर पर रह रहे हैं जी रहे हैं रियासत पाकिस्तान है आजाद है मगर मेरा ख्याल है कि कुछ हमें खामियाँ हैं या हमने जान के उस बात को एडोप्ट कर लिए अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे जी, मेरा जी, ख्याल तो ये है जी, जी, नहीं तो उर्दू इतनी अच्छी जुबान है कि इसको आप अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें जी, तो इसका दसवां नंबर है और फिर भी आ, जो है वो ये जुबान की हौसला अफजाई नहीं हो रही बल्कि दूसरी ज़ुबानें जो हैं वो इसको उसके ऊपर इसकी जगह ले रही हैं देखिए गुलामी इस लिहाज से है कि जब पाकिस्तान बन गया था ना पाकिस्तान बनने से पहले कायद अजम ने मुत्द बार कहा था कि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान होगी उन्नीस सौ पैंतालीस के मरदम शुार में कायदम ने कहा कि मादी जबान के खाने में उर्दू लिखे तो ये तो तय हो चुका था कि पाकिस्तान बनने बाद उर्दू होगी लेकिन अफसोस की बात है कि जो नादीदा गुलाम लोग थे उन्होंने इसके ऊपर फैसले अमल नहीं किया मुकाबले का इम्तहान पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक की जरूरत थी किस कि उर्दू में लिया जाता लेकिन नहीं लिया जाता वही ब्योकेसी जो गुलाम चली थी उसी ने इसका तसलसल करके आज तक जो है वो उसको बरकरार रखा है तो ये हालाँकि यूँ था कि वह तो जो सियास का मुकाबले का इम्तहान वो हमारे आकाओं ने अपनी जोरत के तहत एक बाबू पैदा करने के लिए दिया था जो उनके दरमियान में और जो हिंदुस्तानी वाम के दरमियान में एक पुल और का काम करे इसके लिए उन्होंने मुकाबले का इम्तहान वज़ा किया था एक बाबू एक जो अपने दिमाग और इसका इस्तेमाल न करें इसे चरा अपने आका के ग तस्लीम करे तो जब हम पाकिस्तान बन गया था तो हमारी जरूरत ये थी कि हम पाकिस्तान के हम एक आज़ाद को उनके हिसाब आज़ाद जबान में हम उसका इंतान लेते हैं लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में आज तक सतर साल हो गए हैं पाकिस्तान में मुकाबले का अंग्रेजी में लिया जा रहा है और अफसोस की बात है कि उस मुकाबले के आ, मैं मैडम आपकी बात काट रहा हूँ मुकाबले का इम्तिहान नहीं है आप सी एस एस को देख लें जिसकी आप बात मुकाबले के इम्ति जितने भी हैं जी वो पंजाब लेवल पे है या वो फेडरल लेवल पे है उसके बाद आप एल एल बी की डिग्री ले लें एल एल बी की डिग्री भी उर्दू खत्म करके इंग्लिश कर दी गई उसके बाद एम बी बी एस की डिग्री है वो भी पूरी की पूरी इंग्लिश में है इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं जो किसी की तरक्की का जब वक्त आता है तो वो अपने महकमाना इम्तिहान देता है वो सारे इम्तिहान हैं इंग्लिश में है। तो आ, देखा जाए एक सौ पचानवे ममालिक में जीए। दुनिया जीए। के अंदर वन नाइनटी फाइव ममालिकत हजार एक सौ उनतालीस सरकारी जुबाने और उर्दू का दसवा नंबर है नहीं मैं आपको बता दूं कि उर्दू इस वक्त पाकिस्तान में चाइना के बाद दूसरी बेजबान है चाइना की इस वजह से है कि चाइना की आबादी ज्यादा है लेकिन उर्दू आपको दुनिया में हर जगह मिलेगी और मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज जो है वो हज होता है आप आपको हैरानी हो कि हज में अरबी के बाद दूसरी इबारते उर्दू में लिखी होती जगह जगह उर्दू उसके बाद कभी इंग्लिश की होंगी और वहाँ की मैशत की सबसे बड़ी जबान उदू है आपको हर दुकान पर आपको उर्दू बोलने वाले मिलेंगे जितने भी पे बंगाली है जो वहाँ के, के अरब शेख है वो उर्दू बड़ी रवानी से बोलते हैं आपको आराम से अपनी बात समझने में तो उर्दू को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब जो वहाँ पे चालीस लाख हाजी जाता है वो नहीं तो नहीं मैडम जितने भी अरबी कंट्रीज हैं ये जो हमारे उर्दू उनकी जो अपनी जुबान है वो सारे इम्तहाना अपने जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में लेते हैं जी हा, वो मेरा ख्याल है इंग्लिश में अपने इम्तहान ये मुकाबले का इम्तहान हो गया डॉक्टरी का इम्तहान हो गया ये सारे अपनी जुबान में लेते हैं चीन की मिसाल सारी दुनिया के सामने है कि चीन का सदर अगर कहीं जाता भी है तो किसी भी मुल्क में जाता है तो उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों होती है इसलिए होती है कि वो इंग्लिश नहीं जानता वो सिर्फ अपनी जुबान को फोकस करते हैं अपनी जुबान को प्रमोट करते हैं So तो आपको हैरानी होगी कि जो चीन के मौजूदा सदर हैं उन्होंने पीएचडी अमेरिका से की हुई है इसके बावजूद वो कभी भी आपको इंटरनेशनल अंग्रेजी में बात करते हुए नजर वो तो उन्होंने हासिल किया किया हासिल मैं ये की तक, है, तक बात है, हाँ मतलब अपनी जबान किसी आप मोदी को देख लें मोदी कहीं भी जाता है वो अपनी ही जबान में हिंदी में बात कर रहा है और अपने ही लिबास को प्रमोट करता है आप देख लीजिए कहीं भी उसको नहीं होगा तो हम हम जो दुनिया की पाँचवीं सातवीं आठवीं एटवीं ताकत और इस्लामी दुनिया की पहली एटवीं ताकत हैं हम लोग मसलसल जवाल माकूस की तरफ चल रहे हैं हम जो लोग पाकिस्तान जब बना था हम तरक्की के किस दर्जे पे थे आज हम कितने चले गए हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही है क्योंकि हमारा सारी तयम डट्टे पर चल रही है अभी जो बच्चा हमारा आ रहा है नर्सरी के बच्चों को हम साइंस अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं हम उसको मैथ अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं इस्लामिक स्टडीज भी हम उसको इंग्लिश में ही पढ़ा जी, रहे हैं इस्लामिक तो अब ये बता दीजिए कि ये जो अंग्रेजी में साइंस पढ़ा रहे हैं नर्सरी से इन्होंने कितने साइंसदान पैदा किए एक साइंसदान आप बता देंगे अंग्रेजी के और पाकिस्तान में जितने भी साइंसदान अब तक आए वो वो बच्चे थे जिन्होंने उर्दू में टार्ट स्कूल में बैठ के पढ़ा है जैसे डॉक्टर अब्दुल टॉप किया उन्होंने टॉप किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है डॉक्टर समिर अहमदीकी हैं सलाम है इन सब की और बड़े बड़े जनरल्स जनरल हमीद गुल कहते थे मैं एक टार्ट स्कूल का पढ़ा हुआ गाँव का बेटा मेरी वहीं से बुनियादें बनी हैं और मैं कितने नाम आपको बताऊँ कि वो उनकी थी लेकिन जो अंग्रेजी जिन्होंने बचपन से अंग्रेजी पढ़ाई है उन्होंने इस नाम पर पढ़ाई है कि अब साइंस की तालीम दे रहे हैं आप यकीन कीजिए कि उन्होंने कोई साइंसदान पाकिस्तान को नहीं दिया कोई आलमी सतह का माहिर मशियत नहीं दिया कोई इंजीनियर नहीं दिया कुछ भी नहीं सिर्फ वहाँ तालीम रट्टे पे चल रही है रट्टे पे चल रही है वहाँ पर क्या है कि आपकी फीसें तो डॉलर पाउंड में वसूल की जा रही हैं और लेक्चर आपके सारे उर्दू में रहे हो रहे हैं यानी पाकिस्तान में ओ लेवल की तालीम तक उर्दू में दी जाए लेकिन इम्तान अंग्रेजी में लिया जाता है तो ये बच्चे का जो रट्टा है वो सारा हमारी तालीम रट्टा बेस्ड हो चुकी है क्रिएटिविटी से दूर है हमारी मैडम ये मुनासिब नहीं कि जो लोग सी एस एस का इम्तहान देते जी, हैं जी, और वो फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं या डिप्लोमैट बनना चाहते हैं या वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने मुलक, मुल्की सतह को रिप्रेजेंटे बनना चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव उनके बनना चाहते हैं जी, जी, तो उनके लिए इंग्लिश मैंडेटरी हो बल्कि उस लेवल की हो जिस लेवल की इंग्लिश दूसरे ममालिक में बोली जाती है उनसे बातचीत की जाती है हमारा बच्चा भी जो है वो जाए पढ़ के जाए और अपने मुल्क की बात करें जी, जी. और बाकी जो सी एस एस का एग्जाम है या बाकी जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं कैटेगरी हैं कि कोई फॉरेन सर्विस में जा रहा है कोई पुलिस में जा रहा है कोई ऑडिट में जा रहा है कोई रेलवे में जा रहा है वो बाकी सारे इम्तहान जो है इंग्लिश के साथ अगर उर्दू का भी लिख दिया जाए जैसे हम छोटे होते आते थे आप उर्दू में भी जवाब लिख सकते हैं जी जी। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि अभी तक इस, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा जी इस तरह तो हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल नहीं कर सके जी। और वो सी एस एस का इम्तान अगर उन्होंने देना है तो उनको फिर स्पेशल क्लास पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश की पहले एक लेवल पर आना पड़ेगा जी जी। और वो उन बच्चों को कैसे मुकाबला करेंगे जो डे फर्स्ट से इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनका फर्क जो है वो तो सारी जिंदगी रहेगा एक बच्चा 17 साल तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े और दूसरा उर्दू मीडियम में पढ़े और फिर उस जब इम्तिहान की बारी आए तो वो मुंह देखे कि यार मैंने उस तरह की अंग्रेजी नहीं आंदी वो फिर किसी इे को ढूंढे वो जाए वहाँ पे जाके वो अपनी जुबान को उस लेवल पर उसका तो वक़्त जाया हो जाएगा जी 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 ये आप जो बात करें देखिए ये ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा हम खुद भी जब पढ़ते थे तो लॉ सारा उर्दू में होता था यानी हमें हमें ये हमें ये थी। ये इजाजत 2007 में में इंग्लिश किया गया इंग्लिश में किया ना अच्छा उससे पहले कहते जी। थे वही उर्दू की लॉ की किताबें पढ़ e. के इस मुल्क के चीफ जस्टिस बने वजीर बने मुशीर बने यहाँ तक के मुल्क के वजीर आजम बने क्या कमी थी उनमें बिल्कुल क्या कमी थी मेरा ख्याल है उस वक्त की डिग्री की वैल्यू भी थी और पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ती थी हमारे पास साथ बड़े मुल्कों से तालब इलम भी आते थे अब मुझे बताएं पाकिस्तान में कहाँ कोई आ रहा है पाकिस्तान की डिग्री की हैसियत है कि पाकिस्तान की कोई जामियात हजार यूनिवर्सिटी में भी शामिल है कह रहे के कॉपी पेस्ट होते हैं और तो जैसे जैसे हम ये इंग्लिश जुबान की तरफ आ रहे हैं जी जी हमारा निसाब जो है वो सारा इंग्लिश में होता जा रहा है और दूसरी तरफ आप हाँ बता रही कि हमारी वैल्यू खत्म हो गई जब उर्दू में था तो पाकिस्तान की डिग्री की एक वैल्यू थी।, वैल्यू थी। पूरी दुनिया में मानी जाती थी।, थी आज हम जितना मर्जी पी भी कर ले मगर वो एक कागज पैदा ही नहीं हुआ अब अब ये जो आप बात करें ना कि देखिये जो दुनिया में आप नहीं जाएंगे ना अभी पिछले दिनों की किसी ने अभी शेयर की हुई थी कि यहाँ कोई जापानी आए यहाँ सब ने अंग्रेज़ी में बात की अच्छा जब वो जापान के आए ना आ, आ, यहाँ पर सफी तो उन्होंने उन सोचा शायद भी अंग्रेजी बात तो उन्होंने उर्दू में बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को कहा कि भाई जापान में आप इलम हासिल करने आए लेकिन जब जापान आएंगे तो जापानी सीखने सीख कर आए वहाँ पर सब लोग अंग्रेजी नहीं कोई जानता जापानी वहाँ जानते वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं तो उसने उसको पता था मैं पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ और इस सफ़ारत के उूल होते हैं कि जिस भी मुल्क में आप गए हैं आपने उनके अवाम के दिलों पर राज करना है तो आप उनकी ज़बान सीखते हैं hmm. और ये यही जापानी सफ़ीर था वो कह रहा है मैं 25 साल पाकिस्तान में सफारत करता रहा हूँ मुझे कभी मैंने उससे कभी अंग्रेज़ी का सहारा पाकिस्तान में लिया वो उर्दू में बात करता था और उर्दू के मानी भी उर्दू में तलाश करता था तो ये, ये उन्नी अमेरिकन जो है अमरीकी सफीर यहाँ आती है वो पाकिस्तानों को उर्दू में पैगाम देती है